baby, wanna leave this town. I'm saying, lover, if you wanna go, I'm down. Darling, we'll make a bigger thing. CBSE बोर्ड में क्लास थर्ड की एनसीईआरटी की बुक एनवायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर नंबर 14 है। इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ फूड, यानी कि फूड की कहानी। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लें। उस पार्ट को देखने के बाद यह दूसरा पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। Where does what we eat come from? दोबारा पढ़ता हूं मैं। Where does what we eat come from? मतलब जो हम खाते हैं वो कहां से आता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे मान लो हम दूध पीते हैं, तो दूध कहां से आता है? दूध हमारा आता है एनिमल से, काऊ से हमारा दूध आता है, ओके, या बफेलो से हमारा दूध आता है। और जब हम सब्जियां खाते हैं, वो सब्जियां कहां से आती हैं? वो सब्जी हमारी प्लांट से आती हैं। तो इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है, इसके अंदर हमको यही समझाया जाएगा कि जो हम खाते हैं वो हमारा कहां से आता है, वो एनिमल से आता है क्या प्लांट से आता है, ओके। तो देखो पहले इसका मतलब समझो, अंग्रेजी में क्या मतलब है। एक काम करो, सुनो, यहां से फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब से होता है, तो फ्रॉम को लगा दो आगे, तो फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम वेयर का मतलब हो जाएगा कहां से, फ्रॉम वेयर का मतलब हो जाएगा कहां से, तो कहां से, ओके, कहां से। डस वॉट वी ईट, जो हम खाते हैं, वॉट वी ईट, वॉट का मतलब से क्या होता है, लेकिन वॉट का मतलब यहां जो है, जो हम खाते हैं, फ्रॉम वेयर कहां से कम आता है, ओके। थोड़ा टफ है समझने में, लेकिन समझ लो, रट लो, सही है। जैसे जैसे क्लास बड़ी होती आती है, जैसे जैसे हमारी अंग्रेजी इंप्रूव होती आती है, हम चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, ओके। अभी मैं यहाँ ग्रामर नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं केवल जो चैप्टर में लिखा हुआ वो बता रहा हूं। तो क्या लिखा हुआ है कि दैट वॉट वॉट वी ईट, जो हम खाते हैं, फ्रॉम वेयर कहां से आता है, यानी वो कहां से आता है, ओके। तो पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो हम खाते हैं वो कहां से आता है। द्वारा पढ़ता हूं मैं आपके सामने। वेयर कहां, डज व्हाट, जो वी हम खाते हैं कम आता है, फ्रॉम कहां से, ओके। तो फ्रॉम यहां हमारा लास्ट में आ गया है। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको बाद में, जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तब, ओके, यहां बड़ी क्लास में, ओके। देखो यहां क्या दिया हुआ है, यहां काफी सारे नेम्स दिए हुए हैं, नाम दिए गए हैं, ओके। हनी लिखा हुआ है, हनी, HONEY, हनी का मतलब शहद होता है, ओके ना। तो शहद, तो शहद हमको पता है बीज से, मक्खियों से आता है, और मक्खी हमारी एनिमल है, ओके। और तो जो मक्खी हमारी जो एनिमल है और वो हमको शहद हनी देती है, तो हनी के चारों तरफ हम गोला जो करेंगे वो कैसा करेंगे, वो रेड कर देंगे। यानी कि जो चीजें हमको एनिमल से मिलती है उनके चारों तरफ हमको क्या करना है, उनके चारों तरफ हमको रेड गोला करना है। अब देखा टर्मरिक, टर्मरिक हमारी हल्दी होती है, हल्दी हमको पता है प्लांट से मिलती है, तो जो चीज हमको प्लांट से मिलती है उनके चारों तरफ हमको क्या करना है, ग्रीन गोला, ग्रीन सर्कल करना है, ओके। मीट, मीट का मतलब, मीट हमको कहां से मिलता है, मीट हमको मिलता है कहां से, हमको मिलता है एनिमल से, तो मीट के चारों तरफ हमको रेड गोला करना है। एग, हमको अंडे मिलते हैं एनिमल से, तो एनिमल के चारों तरफ हमको रेड गोला करना है। टमाटो, टमाटो हमको कहां से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, तो टमाटर के, टमाटो के चारों तरफ हमको ग्रीन सर्कल करना है, ओके। बढ़िया, यही लिखा हुआ है। अब अंग्रेजी पढ़ते आते हैं। द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, क्या लिखा है, नेम्स, नाम, कुछ फूड, सम का मतलब कुछ खाना, कुछ खाने के आइटम्स, कुछ खाने के आइटम्स के नाम, ऑफ का मतलब के आ गया, तो क्या लिखा हुआ है कि कुछ खाने के आइटम्स के नाम आर गिवन बिलो, आर गिवन का मतलब दे रखे हैं, बिलो का मतलब नीचे, तो क्या लिखा हुआ है, खाने के कुछ आइटम्स नीचे दे रखे हैं। पूरी लाइन का मतलब ये है कि कुछ खाने के आइटम्स के नाम नीचे दे रखे हैं, ओके। दोबारा देख लो एक बार, द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो,
आर गिवन ब्लो का मतलब दे रखे हैं, ब्लो का नीचे, नीचे दे रखे हैं, क्या नीचे दे रखे हैं, नाम, किसके नाम, कुछ खाने के आइटम्स के, ऑफ का मतलब के नाम, ओके आगे सुन लो। एड सम मोर नेम्स टू द लिस्ट, क्या लिखा हुआ है कि एड जोड़ दो कुछ और नामों को लिस्ट को, एंड लिस्ट में कुछ नामों को और जोड़ दो, तो टू का मतलब है को है और मैं भी निकल के आ रहा है। तो यहां जो लाइन दे रखी है, क्या आपको क्या करना है कि इसमें कुछ और खाने के आइटम्स के नाम यहां लिख दो, ओके बढ़िया। ऐड का मतलब जोड़ना या मिलाना, तो यहाँ क्या लिखा है, मिला दो, ऐड कर दो कुछ, सम का मतलब कुछ, मोर का मतलब और, नेम्स का मतलब नामों को लिस्ट में, नेम होता है सिंगुलर और एन ए एम ई एस का मतलब हो गया हमारा प्लूरल, इसका मतलब नामों, नाम काफी सारे नाम, ओके। क्या लिखा है, ड्रॉ, ड्रॉ करो, बना दो, आ ग्रीन, ए ग्रीन मतलब हरा, सर्कल, अब इन्होंने क्या किया है, सर्कल ना लिखकर केवल गोला दिखा दिया है, सर्कल की फोटो दिखा दी है, तो क्या लिखा है कि ड्रॉ कर दो ए ग्रीन सर्कल को, ड्रॉ कर दो अराउंड का मतलब चारों तरफ, अराउंड का मतलब चारों तरफ, अराउंड का मतलब चारों तरफ, तो क्या लिखा है, ड्रॉ कर दो ए ग्रीन सर्कल चारों तरफ, किसके चारों तरफ, दोज, उन, दोज का मतलब उन आइटम्स के चारों तरफ, दैट जो वी, हम गेट पाते हैं फ्रॉम प्लांट्स, क्या लिखा हुआ है, पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो आइटम्स हमको प्लांट से मिलते हैं उनके चारों तरफ सर्कल कर दो, देखो फटाफट, ड्रॉ का मतलब ड्रॉ कर दो, बना दो ए ग्रीन सर्कल अराउंड चारों तरफ, दोस उन आइटम्स के चारों तरफ, जो दैट मतलब जो वी, हम गेट मतलब पाते हैं फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से, ओके। साथ साथ में टफ वर्ड मीनिंग को लिखते जाओ, उनकी हिंदी भी लिखते जाओ और बाद में याद कर लेना पक्का, ओके। यहाँ क्या लिखा है, ड्रॉ, ड्रॉ करो एक रेड लाल सर्कल अराउंड चारों तरफ, उन आइटम्स के चारों तरफ, दैट जो वी, हम गेट पाते हैं फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से, समझ में आ गया, बढ़िया। चलो देखते हैं, हनी हमको कहां से मिलता है, हनी हमको मिलता है एनिमल से, मक्खियों से मिलता है, तो आएगा रेड, ओके। टर्मरिक मतलब हल्दी होती है, प्लांट से मिलती है, ग्रीन आएगा फिश, फिश हमारी एनिमल है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, लाल सर्कल होगा, ओके। खौर, खौर का मतलब भुट्टा होता है, भुट्टा हमको कहां से मिलता है, भुट्टा हम खाते हैं सर्दी में, भुट्टा खाते हैं, भुट्टा हमको मिलता है प्लांट से, तो ग्रीन सर्कल होगा। मिल्क, मिल्क दूध है, दूध हमको काऊ से मिलता है, तो एनिमल से मिलता है, तो उसके चारों तरफ क्या हुआ, रेड यानी कि लाल सर्कल होगा। लेमन, लेमन का मतलब नींबू होता है, नींबू हमको कहां से मिलता है, नींबू हमको मिलता है किससे, प्लांट से, तो उसके चारों तरफ ग्रीन होगा, सही है। अब देखो समझो, प्लांट हमारे हरे हरे होते हैं, इसलिए जो चीज हमको कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती है, उनके चारों तरफ हमको क्या करना है, ग्रीन सर्कल करना है, और जो चीजें हमारी एनिमल से मिलती है भाई, उनके अंदर खून होता है, तो इसलिए उनके चारों तरफ हमको क्या करना है, उनके चारों तरफ हमको क्या करना है, रेड सर्कल करना है, ओके। अब हम आगे पटाटो पर, पटाटो जो हमको, पटाटो हमें कहां से मिलता है, पटाटो जो होता है हमको आलू हमको मिलता है प्लांट से, तो ग्रीन करना है, ओके। इसको पढ़ते हैं SPINACH, रंग सुन लो, उसको पढ़ते हैं स्पिनच, ओके। इसको क्या पढ़ते हैं, स्पिनच, ओके, स्पिनच, स्पिनच, SPINACH, स्पिनच। तो स्पिनच हमको कहां से मिलता है, स्पिनच का मतलब पालक होता है, पालक हमको मिलता है कहां से, अगर अजवाइन, अजवाइन हमको कहां से मिलती है, अजवाइन जो है हमको मिलती है कहां से, प्लांट से, तो क्या होगा, ग्रीन गोला होगा, ग्रीन सर्कल होगा, ओके। बनाना, ओके, कहां से मिलता है, प्लांट से, तो ग्रीन होगा। मीट, मीट हमको कहां से मिलता है भाई, मीट हमको एनिमल से मिलता है, तो रेड होगा। एग, एग मिलता है हमको कहां से, एग हमको मिलता है मुर्गियों से, तो उसके चारों तरफ होगा क्या, रेड होगा। टमाटो, अनियन, अनियन को कहां से मिलती है, अनियन मतलब प्याज, अनियन हमको मिलती है प्लांट से, तो उसके चारों तरफ ग्रीन सर्कल होगा। बाकी बच्चे कुछ नाम और हम यहाँ लिख सकते हैं, उनके चारों तरफ गोला कर सकते हैं, ओके। चलो, ओके, क्या लिखा है, व्हेन यू आर सिक, जब आप बीमार होते हो, डू यू टेक एनी मेडिसिन व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ओके। पूरी लाइन का मतलब लिखा हुआ है कि जब आप बीमार होते हो तो आप लेते हो कोई मेडिसिन, कोई दवा जो कि हम पाते हैं प्लांट से, ओके।
यानी कि जब आप बीमार पड़ जाते हो तो क्या आप कोई ऐसी दवा लेते हो जो हमको मिलती है प्लांट से मिलती है, ओके ना। अब वर्ड टू वर्ड मतलब समझते हैं। व्हेन जब यू आर सिक, जब आप सिक हो, जब आप बीमार हो, तो के लिए हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। व्हेन मतलब जब, यू मतलब आप, आर सिक का मतलब बीमार हो, तो का मतलब हमने कॉमा लगा दिया। डू यू टेक, आप लेते हो एनी कोई मेडिसिन, क्या लिखा है डू यू टेक, क्या आप, तो डू का मतलब क्या निकल के आ रहा है, लेकिन डू का मतलब क्या नहीं होता, तो क्या आप टेक लेते हो एनी कोई मेडिसिन, दवा विच, जो भी हम गेट पाते हैं फ्रॉम प्लांट से, ओके, विच, जो हम पाते हैं प्लांट से, ये लिखा हुआ है इस लाइन का मतलब, ओके। व्हाट डू यू टेक व्हेन यू, क्या लिखा है, व्हाट, क्या डू यू टेक, आप लेते हो, व्हेन, जब, यू, ओके, तो यू के बाद दो बातें आ सकती हैं, एक तो गेट हॉट एंड, और दूसरी बात आएगी have a stomach ache, okay? तो यानी कि यहां से दो लाइन बनेंगी। पहली लाइन बनेगी what do you take when you get hurt, और दूसरी लाइन बनेगी what do you take when you have a stomach ache, okay? क्या do you take, आप लेते हो, when, जब, you get hurt, and जब आपको चोट लग जाती है तो आप क्या लेते हो, ऐसी कौन सी चीज लेते हो जो हमको प्लांट से मिलती है, तो लिख दो यहाँ थर्मारिक मतलब हल्दी, यानी जब भी हमको कहीं चोट लग जाती है तो हम चोट पर हल्दी लगा देते हैं, हल्दी क्या करती है, कीटाणुओं को मार देती है, ओके, बढ़िया। अब और क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू टेक, व्हाट, क्या आप लेते हो, व्हेन यू, जब, व्हेन यू, जब आप हैव, जब आपको होता है एक स्टमक एक, स्टमक एक, मैं आपको बता दूं स्टमक का मतलब पेट होता है, और एक, ए सी एच ई को पढ़ते हैं एक, बोलो फटाफट एक, तो क्या लिखा हुआ है, आ स्टमक एक, यानी कि व्हाट डू यू टेक, आप क्या लेते हो, जब यू, आपको होता है या आप रखते हो एक स्टमक एक, यानी कि जब आपके पेट में दर्द हो जाता है तो आप क्या लेते हो, तो यहां लिख देना, कुछ लोग लेमन ले लेते हैं, एल ई एम ओ एन, लेमन, नींबू ले लेते हैं, और कभी कभी कुछ लोग अदरक ले लेते हैं, अदरक इंग्लिश होती है जी आई एन जी ई आर, ओके, जो आपके टीचर ने आपको लिखवाया है वो आंसर लिख लेना और उसको याद कर लेना, ओके, चलो, ओके, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेल्प चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई प्लांट्स व्हिच आर अवेलेबल इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट एंड आर यूज्ड एज मेडिसिन, क्या लिखा हुआ है, हेल्प चिल्ड्रन, टीचर लोगों से बोला जा रहा है कि हेल्प चिल्ड्रन, बच्चों की मदद करो आइडेंटिफाई प्लांट्स को पहचानने में, विच, जो कि आर अवेलेबल, जो कि मौजूद हैं, जो कि उपलब्ध हैं, जो मिल रहे हैं इन देयर, उनकी इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब पास में, एनवायरमेंट यानी पास के एनवायरमेंट में, क्या लिखा हुआ है, इस बात का मतलब यह है कि टीचर लोगों से कहा जा रहा है कि टीचर लोगों आप क्या करो, बच्चों की मदद करो उनको प्लांट्स को, पौधों को पहचानने में, जो प्लांट्स हमारे घर के आसपास मौजूद हैं, हमारे घर के आसपास के एनवायरमेंट में, वातावरण में मौजूद हैं, उनको, बच्चों को पहचानने में हेल्प करो, ओके, हेल्प चिल्ड्रन, बच्चों की मदद करो टू आइडेंटिफाई, पता करने में प्लांट्स को, विच आर, जो कि अवेलेबल, जो कि मौजूद है, मिल रहे हैं इन देयर, देयर का मतलब बच्चों, देयर यहां हमारा प्रोनाउन है और देयर का मतलब बच्चों के, इमीडिएट मतलब आसपास के, इमीडिएट का मतलब आसपास के, इमीडिएट का मतलब आसपास के एनवायरमेंट में, आसपास के वातावरण में या आसपास के चारों तरफ, ओके, यानी जो, यानी कि जो प्लांट्स जो आसपास मौजूद हैं उन प्लांट्स को पहचानने में बच्चों की मदद करो, ये टीचर लोगों से कहा जा रहा है। एंड आर यूज्ड एज मेडिसिन, और वो प्लांट्स कौन से जो यूज किए जाते हैं मेडिसिन की जैसे, दवाई की तरह से, एंड आर यूज एज मेडिसिन, और जो यूज किए जाते हैं दवाइयों जैसे, ओके, एज मतलब जैसे, आर यूज का मतलब यूज किए जाते हैं, और मेडिसिन मतलब दवाइयों जैसे, एज मतलब जैसे, ओके, दिस विल एनहांस द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, क्या लिखा हुआ है, दिस, ये है, यानी कि अगर बच्चे जान जाएंगे कि हमारे घर के आसपास ये प्लांट हैं जो हमारी बीमारियों में हमको हेल्प करते हैं, उनको हम दवाइयों की तरह यूज कर सकते हैं, तो ये बात, दिस मतलब यह बात, एनहांस कर देगी, बढ़ा देगी उनकी,
उनकी मतलब बच्चों की, ट्रेडिशनल का मतलब पुरानी, यानी कि जो नॉलेज जो बच्चों के अंदर उनके मम्मी पापा ने, उनके पूर्वजों ने, उनके बूढ़े लोगों ने उनको दी है, वो नॉलेज बढ़ा देगी जो उनके इतिहास में लिखी हुई है, नॉलेज लिखी है। किसकी नॉलेज, किसका ज्ञान? मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स का मतलब वो प्लांट्स जो दवाइयों वाले प्लांट होते हैं। ओके, समझ आ रहा है? ओके ना, जैसे पेट में कीड़े मारने के लिए हम नीम के पत्ते खा लें तो क्या होता है, नीम के पत्ते हमारे पेट कीड़ों को मार देते हैं। तो ऐसी नॉलेज अगर टीचर लोग बच्चों को दे देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि हमारे आसपास के प्लांट जो हैं इनसे हम कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं दवाइयों की तरह। ओके, और यहां से एक वर्ड हमने सीखा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है वो बातें जो बहुत काफी लंबे टाइमों से, सालों से चली आ रही हैं और जिन पर लोग विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स के बारे में काफी सालों से नॉलेज चली आ रही है कि नीम का प्लांट ये करेगा, पपीते का प्लांट ये करेगा। ओके, तो ये जो बातें हैं इन बातों की नॉलेज बच्चों में बढ़ जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ, दिस विल, यानी ये बच्चे इस बात को जान जाएंगे, ये बात, दिस विल, ये क्या करे, एनहांस कर देगी, बढ़ा देगी उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज, ज्ञान किसका, मेडिसिनल प्लांट्स का, उन प्लांट्स का जो प्लांट्स हमारे दवाइयों की तरह यूज किए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। चलो अब ये जो है आगे उसी का कंटिन्यूशन है। अगर आपको हैव कफ एंड कोल्ड, अगर आपको क्या हो जाए, कफ हो जाए और कोल्ड हो जाए, यानी कि जब खांसी हो जाए और सर्दी हो जाए, कफ का मतलब होता है हमारा क्या, खांसी, और कोल्ड का मतलब सर्दी जुकाम हो गया, तो आप कौन सा प्लांट लोगे? तो हम यहाँ लेंगे जिंजर, अदरक। अदरक से क्या होता है, अदरक को मुंह में रखने से, अदरक का जूस पीने से, अदरक की चाय पीने से कोल्ड कफ सही हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा GINGER आएगा। हैव अ टूथ एक, अगर आपके दांत में दर्द है तो टूथ का मतलब दांत और एक का मतलब दर्द। तो अगर आपके दांत में दर्द होता है या हैव मतलब रखते हो आप क्या, दांत में दर्द, तो आप क्या यूज करोगे, तो आप यूज करोगे क्या, लौंग। लोग लौंग रख लेते हैं मुंह के अंदर जिससे क्या होता है, दर्द नहीं होता। सर आपको बढ़िया, चुन लो द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, मतलब क्या लिखा हुआ है, हर आइटम के लिए सही बास्केट को चूज कर लो। चूज करने का मतलब होता है चुनना, चुन लो, करेक्ट मतलब सही बास्केट, सही टोकरी चुन लो, हर, ईच मतलब हर एक आइटम के लिए, फॉर का मतलब के लिए, तो क्या लिखा हुआ है, चुन लो सही बास्केट हर एक आइटम के लिए। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं, उन सारे आइटम्स को, वो सारे आइटम्स कहाँ, किस बास्केट से, किस टोकरी से मिलते हैं, तो उनके लिए, उन हर एक आइटम के लिए, जैसे मैंगो के लिए, ग्राम के लिए, जैकफ्रूट के लिए, आंवला के लिए, क्या करो आप, एक सही बास्केट, या ये वाली बास्केट होगी, या ये वाली बास्केट होगी, या ये वाली होगी, या ये वाली होगी, इन सारी सही बास्केट को चूज कर लो, चुन लो, यह लिखा हुआ है। ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन बनाओ, ड्रॉ का मतलब बनाना, एक लाइन बनाओ, टू मैच, मैच करने के लिए एक लाइन बनाओ, इस बात का मतलब है, जैसे मान लो कि ये जो आइटम है इसका नाम है लोटस स्टेम, जो हमारा लोटस स्टेम है वो हमारा इस बास्केट से मैच करता है, तो मैच करने के लिए एक लाइन को ड्रॉ कर दो, DRAW, स्पेलिंग साथ साथ में याद करते जाओ। ओके, तो ड्रॉ कर दो, तो ये लिखा हुआ है। तो मैं अब यहां से मैं फोटो के थ्रू समझाता हूं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं। ओके, ये सारे हमारे प्लांट्स के आइटम हैं, ये हमारे बहुत तरीके के प्लांट्स दे रखे हैं, प्लांट्स के आइटम्स दे रखे हैं, तो हमको करना क्या है, हमको इन 1, 2, 3, 4, इन चार बास्केट से, चारों टोकरियों से इनको मिलाना है। जैसे कि इस टोकरी के अंदर केवल वही आएंगे जो फ्लावर्स हैं, यानी जो फूल हैं वो इस टोकरी में आएंगे, और जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वो इस टोकरी में आएंगे, और जो पत्तियां हैं वो इस टोकरी में आएंगी, और बाकी बचे कुछ प्लांट के हिस्से, यानी कि एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के बाकी, एनी अदर का मतलब कोई और पार्ट, मतलब हिस्से ऑफ अ प्लांट, प्लांट के कोई और हिस्से इस टोकरी में आएंगे। ओके, एनी अदर, कोई और पार्ट, हिस्सा किसका, ऑफ मतलब का, प्लांट का बाकी हिस्सा या प्लांट के बाकी हिस्से इस टोकरी में आएंगे। अब हम लोग करते हैं, मैचिंग करते हैं। पहला हमारा जिंजर, जिंजर का मतलब अदरक होता है, तो अदरक कहाँ जाएगा, क्या अदरक हमारा फ्लावर्स है, फूल है, नहीं है, पत्तियां हैं, नहीं है,
फ्रूट है नहीं है, तो हमारा जो जिंजर है वो कहाँ जाएगा, इस टोकरी में जाएगा। इसका मतलब जो एक दो तीन इन तीन कैटेगरी से, इन तीन बातों से नहीं मिलते हैं, उनको लेके पटक दो इस टोकरी के अंदर। जिंजर मतलब अदरक, तो अदरक हमारा कहाँ जाएगा, प्लांट के बाकी हिस्सों में, दूसरे हिस्सों में जाएगा। असल में जो जिंजर होता है, अदरक होता है, वो हमारी रूट होती है, वो जड़ होती है। अभी छोटी क्लास है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं बता रहा हूं। कैरेट, कैरेट मत का मतलब होता है हमारा क्या, कैरेट का मतलब हमारा गाजर होता है। तो गाजर हमारी ना तो फ्लावर है, ना फूल नहीं है, ना ही पत्तियां हैं, ना ही फ्रूट है। तो कैरेट हमारा ये भी जड़ होती है, रूट होती है। इसका जो प्लांट होता है उसमें कैरेट हमारी मिट्टी में होती है, तो कैरेट हमारी जाएगी इस टोकरी में। आपको दोबारा बता दूं, इस टोकरी के अंदर प्लांट के दूसरे हिस्से आएंगे, यानी कि जो फूल नहीं है, जो पत्तियां नहीं है, और जो हमारे फल नहीं है। ओके, बाकी हिस्से जैसे कि प्लांट की रूट हो गई, जड़े हो गई, प्लांट की डंडियां हो गई, प्लांट की तना हो गया। तने का मतलब जो प्लांट होता है, प्लांट में जो नीचे का हिस्सा होता है, धरती से लेकर ऊपर तक का हिस्सा, मान लो उसको हम तना कहते हैं, इसको स्टेम कहते हैं, STEM। तो वो सारे हिस्से इस टोकरी में आ जाएंगे। ओके, तो लिखा हुआ है फ्लावर्स ऑफ कचनर। तो जो हमारा ये क्या है, कचनर का, कचनर हमारा एक फूल होता है, तो उसके जो फूल है वो इस टोकरी में जाएंगे। बच्चे क्या करें, साथ साथ में मैचिंग करते जाएं, तो हमारा फ्लावर्स ऑफ कचनर आएगा इस टोकरी में। मैंगो, मैंगो हम जानते हैं आम होता है, फ्रूट होता है, वो आएगा इस टोकरी में। तो लाइन हमारी यहां से लेकर यहां तक की बनेगी। जैकफ्रूट, जैकफ्रूट हमें पता है फ्रूट होता है, तो लाइन यहां से मिलेगी। आमला, आमला हमें पता है फ्रूट होता है, आमला लोग आमले का अचार खाते हैं, लोग आमले का जूस भी पीते हैं। ओके, तो आमला जो हमारा वो जाएगा यहाँ, और लोग आमले का मुरब्बा भी खाते हैं, लोग आमले का जैम भी खाते हैं। तो आमला जो हमारा फ्रूट में जाएगा। ओके, ये हमारा ग्राम, हमारा ग्राम है, चना होता है, ये ग्राम जो हमारा वो जाएगा यहाँ जाएगा। ओके, ग्राम जो है हम लोग का प्लांट के दूसरे हिस्सों में जाएगा। ओके, ग्राम हमारा फूल है नहीं है, पत्तियां नहीं है, ग्राम हमारा क्या फ्रूट है, ग्राम हमारा फ्रूट भी नहीं है। तो ग्राम पटक दो इस टोकरी के अंदर। अभी ग्राम होता क्या है, इसके बारे में बड़ी क्लास की बात है, तो बड़ी क्लास में करेंगे। लोटस स्टेम, स्टेम का मतलब तना होता है। मैं आपको बताऊं तना क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है उस प्लांट की जो नीचे की डंडी होती है, यानी वो डंडी जो डंडी प्लांट को जोड़ देती है, किससे, धरती से जोड़ती है, उस डंडी को हम लोग स्टेम बोलते हैं। तो लोटस मतलब कमल, जो कमल है हमारा उसका जो स्टेम है वो क्या है, वो प्लांट का दूसरा हिस्सा है, तो इसमें जाएगा। लाइन ड्रॉ होकर पहले से दे रखी है बुक में। फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स का कहने का मतलब होगा फलियां हो गई, जो फलियां होती हैं इसकी सब्जी बनती है, ये फ्रेंच बीन हमारी क्या होंगी, ये फ्रेंच बीन्स भी हमारी आएंगी इस टोकरी में। ओके, ये हमारा स्पिनच है, स्पिनच का मतलब हमारा पालक होता है, तो स्पिनच हमारा वो भी ये क्या है, स्पिनच हमारा पालक है, और पालक हमारा पत्तियां होता है, तो स्पिनच हमारा जाएगा लीव्स में, पत्ती वाली टोकरी में। ओके, मस्टर्ड, जो हमारी मस्टर्ड है, सरसों होती है। ओके, सरसों के बीज भी होते हैं, सरसों के फूल भी होते हैं, तो यहाँ जो मस्टर्ड हमारी वो कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी, एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, मस्टर्ड हमारी जाएगी इस वाली टोकरी में। कॉलीफ्लावर, जो हमारी कॉलीफ्लावर है, ये फूल होता है। ओके, ये फूल होता है, बड़ा सा फूल होता है, इसकी सब्जी हम लोग खाते हैं, तो कॉलीफ्लावर जो हमारा इसमें जाएगा, कॉलीफ्लावर हम लोग का फ्लावर में जाएगा। ओके, हो गया। अब बचता है हमारा करी लीव्स, जो हमारी करी लीव्स है, जैसे हमको पता चल रहा है नाम से पत्तियां, ये करी लीव्स तो हमारी जाएंगी पत्तियों में, खरी लीव्स। ओके, बढ़िया। अब ये हो गया हमारा रेडिश, रेडिश का मतलब हम जानते हैं, रेडिश का मतलब मूली होता है, तो मूली हमारी जड़ होती है, रूट होती है, तो रेडिश हमारी आएगी इस वाली टोकरी में। ओके, इस वाली टोकरी में। पटाटो, जो हमारा पटाटो होता है, हमारा आलू होता है, आलू भी हमारा प्लांट का रूट होता है, तो वो भी हमारा इसमें जाएगा। बनाना, बनाना हमारा केला होता है, तो केला हमको पता है फ्रूट होता है, तो बनाना हमारा फ्रूट में जाएगा। ओके, बढ़िया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये जो चौथी हमारी बास्केट है, इसके अंदर बहुत सारे आइटम आ गए हैं। क्या लिखा हुआ है, एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के बाकी के हिस्से। तो आज इस वीडियो लेसन के अंदर सिर्फ इतना ही। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक
तो आज के वीडियो लेसन के अंदर सिर्फ इतना ही। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो। ओके,